मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए सबके लिए आलू के परांठे और मैंने खाया पपीता और थोड़े से मैंने गोपाल जी के और माता रानी के कपड़े जो हैं वो धो लिए थे, तो उनको प्रेस कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेते हैं। सारे कपड़े हो चुके हैं प्रेस, अब इनको लगा देते हैं अलमीरा के अंदर। और कल जैसे कि आपने देखा था कि मैं मार्केट से थोड़ा सा फैब्रिक लेके आई थी, तो मुझे नताशा के यहाँ जाना स्टिच करवाने के लिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कल ही वो कपड़े चाहिए पहनने के लिए। तो पता नहीं वो एक दिन में देगी या नहीं देगी, ऊपर से वो कॉल नहीं उठा रही है। मैंने कॉल भी किया उसको, अगर मेरी बात हो जाए तो फिर फटाफट से मैं जाती हूँ फैब्रिक दे के आती हूँ बनाने के लिए। मैंने एक दो टॉप पसंद करे हैं, शर्ट पसंद करी है, मिडीज़ पता करी हैं पसंद करी हैं, मतलब उससे कोऑर्डिनेशन करके तो मैं देखूंगी कि मैं क्या स्टिच कराऊंगी क्या नहीं। तो चल लेते हैं, बस रेडी होना है मेरे को। इंतज़ार कर रही हूँ नताशा के कॉल का, नताशा का कॉल आ जाए क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ लंच से पहले पहले होया हूँ, तो मुझे फिर आके लंच भी तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नताशा फ़ोन उठाती है तो आपको भी नताशा से मिलवाती हूँ। नताशा से बात हो गई है, फ़ोन उठा लिया नताशा ने मेरा और उसने मेरे को बुलाया, तो मैं जाती हूँ फटाफट से फैब्रिक दे के आती हूँ। देखती हूँ कितने कितने कपड़े देगी, चार कपड़े लेके आई मैं बनवाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। नताशा के यहाँ से आ चुकी हूँ मैं, बहुत जल्दी भाग के गई, भाग भाग के आई हूँ। और मैंने दिया है एक गाउन बनने के लिए, एक मिडी बनने के लिए, एक टॉप और एक शर्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगी, नताशा के यहाँ वीडियो नहीं बना पाई मैं क्योंकि थोड़ा सा वो भी जल्दी में थी, मैं भी तो ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी उसके यहाँ की वीडियो। कल मुझे जाना है ट्रायल के लिए और कपड़े लेने के लिए, तो फिर दिखाऊँगी मैं नताशा को। आलू परांठे है खाने में, भी आलू परांठे बना दो विद चाय, विद स्वादी चाय। तो इतनी स्वाद होनी चाहिए कि बस मैं कहूँ ना, वो तो कर ही नहीं सकती, रहने खुद ने कुछ करना नहीं, दूसरे के में बुराई और निकाल दी। ये तेरे बापू जी का लंच बना रही हूँ, बेचारी मेरी माँ। फटाफट कर लो फिर, हमें गाइस हमें बजाने एक बुटीक विकासपुरी में, तो 4 बजे वहां पहुंचना है। जब तक नाश्ता पानी कर लेते हैं, चाय मम्मी थोड़ी ज्यादा और स्वाद। देखिए स्वाद की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, गारंटी होनी चाहिए। 28 साल हो गए किचन में, अभी तक गारंटी नहीं है। रोज लो हमें निचोड़ लो, मैं चाहती नहीं ना पतले हो इसलिए निचोड़ती हूं। ये देखो 4 इंच कम हो गए मेरे, दिख रहा है कुर्ती ढीली, नाप देके आई हूं मैं। मम्मी जब आपको कुकिंग नहीं आती तो आलू पे दोष, भाई सारा मेरा परांठा तोड़ दिया मम्मी ने। अच्छा आलू बहुत गंदे हैं, और दोष क्या है आलू पे। मैं भी वैसे अपनी ससुराल में यही करूंगी कि कुछ मुझसे कुछ गलत हो जाएगा ना तो सब्जियों पे ब्लेम लगा दूंगी। पति को कहते हैं आलू कैसे खरीद के लाए हो, हाँ जैसे सुबह में तेरे बाप को कहा, मैं कहा ये आलू कैसे खरीदे हैं, मैं कहा इस लिस्से से गंदे परांठे वाले आलू नहीं है ये, ऐसे तू भी नाम धर दिया। अचार लेगी साथ में, अचार ले लूंगी, मक्खन होगी, गार्लिक बटर। अभी भी सबको बोल रही हूँ मैं, जिसने गार्लिक बटर ट्राई नहीं किया ना आपका जीवन बेकार है। दीक्षा गोयल्स फेमस आलू परांठा इज हियर। मेरा क्या खुशबू वाला यूज किया है आपने? तेरा कहाँ से करा, मैंने अपना करा। खुशबू अच्छा क्या किया अपना? मेरा जो ओरिफ्लेम का वो लगा। आए हाय, फिर ठीक है। सो मैं नहा चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं एंड हम लोगों को जाना है। पहले तो हम जाएंगे NSP, मम्मी एक वो पहनती है, क्या पहनते हो? जीन्स।
जीन्स पहनती है कौन सी कंपनी की, लेडी फिट, कंफर्ट लेडी की जीन्स पहनती है, तो वो सविता मौसी भिजवाती है मम्मी के लिए, मम्मी उनसे उनसे मंगवा लेती हैं। तो वो उनके हस्बैंड का ऑफिस है NSP, तो वहाँ से हम लोग पिक करेंगे। अच्छा चला गया भाविश लेने, अच्छा भाविश चला गया लेने। मैं और मम्मी जा रहे हैं फिलहाल विकासपुरी, तो मतलब एक बुटीक वाली आंटी है, उनका इंस्टा पे मैसेज आया था कि वो मम्मी के लिए आउटफिट्स बनाना चाहती हैं। तो ऐसा कोई मतलब कोलैबोरेशन भी नहीं कर सकते, बट उनका नेचर भी हमें अच्छा लगा, तो हमें था कि चलो ठीक है हम आपके यहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं बेसिकली विकासपुरी बुटीक में, तो उन्होंने मुझे भी बोला था कि मैं आपके लिए भी आउटफिट रेडी कर दूँगी। तो चलते हैं देखते हैं, फटाफट से गाड़ी निकालते हैं। निकलने से पहले पहले वृत्ति को पकड़ाया कि सारी बर्फ ये रही बर्फ, मम्मी इतना बाकी बर्फ जमा दो उसके रात के काम आ जाएगी। गाइस वो थैली भी फट गई थी, अभी ये वाली थैली में लगाई, डबल थैली कर दी है, पकड़ा दिए बर्फ। टाइम हो रहा है 3:15, अभी गाड़ी निकालेंगे, सरिता ये बर्तन करने, सरिता के बर्तन करने के बाद चले जाएंगे मैं और मम्मी। और मेरे मन बढ़िया सा कॉट सेट बनवाने का, पार्टी वेयर, मैंने उनकी प्रोफाइल पर देखा था, तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि अब तो ये पुराना हो गया, आपके लिए बढ़िया सा बनाऊंगी। चलते हैं बात करते हैं देखते हैं। यूजुअल घर के बाहर से गाड़ी निकालना इज अ टास्क। तेरी लेनी रिवर्स थी, ले आगे ले, वीडियो के चक्कर में पीछे भी घर है आगे भी स्कूटी है, और ये चैंपियन जी और आ गए हैं गली के अंदर। बंदा जाए तो बंदा जाए कहाँ, मेरी स्कूटी पे लगेगी क्या। ड्राइवर बैठ गया आगे और मैं पीछे, कहती मुझे ड्राइवर बना देती हैं, अब मेरे 10 किलो में और वजन कम कर लो ना, फिर मेरे को बेल्ट नहीं लगेगी, फिर मैं आगे बैठा करूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने लिपस्टिक बोली है प्रीति को, फ्रेंड्स मैंने प्रीति से लिपस्टिक मंगवाई अपने लिए एक लाइट शेड में, वृत्ति से ले लो सब कुछ, दीक्षा करी सब कुछ ले लो, हाँ, सब वृत्ति से ले लो। अरे वृत्ति को नॉलेज है ना, उसका पार्लर आता है, का काम आता है ना उसको, इसलिए सारा मेकअप का, तो इसलिए मैंने सोचा कि उससे, हाँ तो मैंने सोचा उससे लिपस्टिक के शेड, मुझे अकल नहीं ना फ्रेंड लिपस्टिक की, मैं तो बस रेड मैरून यही लगा लेती हूँ, मर्जेंटा, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लो। नताशा की गई थी और कमाल देखो, दो एक ही दिन में कपड़े मिल जाएंगे मम्मी को सारे, कल ही नताशा सारे कपड़े दे देंगे, फिर अभी मिल तो जाए तो पहले हाय हत्या मचा दे, कभी नताशा दे ही ना तेरी हाय हत्या की वजह से। तो फ्रेंड्स वैसे मैंने नताशा को बोला है कि मुझे जाना है कल, तो दे देगी वैसे तो मुझे लग रहा है कि दे देगी, पर ये दीक्षा ऐसे हाय हत्या मचाएगी तो नजर लग जाती है ऐसे फ्रेंड बार बार करने से, तो पता नहीं। अब जैसे एयरपोर्ट का लुक के लिए मेरे को चाहिए थी ड्रेस, मेरी नहीं बन पाई, नताशा की फंस गई, फिर भी बेचारी ने मुझे गाउन दिया कि आंटी मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आपका गाउन तैयार नहीं हुआ, तो उसने मुझे रेडीमेड गाउन दिया, तो देखो मेरा काम चल गया। एक नताशा ही मुझे लगता है मेरे काम की, एक वृत्ति नताशा ये दो तीन लोग, दीक्षा तो कुछ नहीं करती है लिप्पण की ना पुलिस। आपको गाड़ी में ड्राइवर बन के लेके जा रही है, ड्राइवर क्या बन के, तेरी गाड़ी की प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं, कल को सास को ढोई ढोई फिरना पड़ेगा तो काम तो आएगी तेरी गाड़ी। ये इसकी सास फ्रेंड मॉडर्न ढूंढेंगे, आप लोग भी मॉडर्न ढूंढना जरा दीक्षा के लिए, जिसको गाड़ी चलानी आती हो, माँ की तरह गवार ना हो जिसको गाड़ी ना चलानी आती हो, तो आप लोगों की ड्यूटी है दीक्षा के लिए एक मॉडर्न सास ढूंढने, दो साल बाद अभी से ढूंढना शुरू करें दीक्षा, अगर किसी सास को नहीं आते इतने वो सीख लेगी 2 साल में कि मुझे दीक्षा की सास बनना है तो मुझे गाड़ी सीख लूं मैं, ये भी तो हो सकता है ना फ्रेंड कि किसी को दीक्षा की सास बनना हो तो वो बेचारी सोचे कि चल मैं अभी से प्रैक्टिस करती हूँ 2 साल में तो मैं सीख ही जाऊंगी। मेरा ड्राइवर अच्छा मॉडर्न ड्राइवर लेके, मैंने सोचा था पंजाबी बाग वाली साइड से निकालेंगे जाम नहीं मिलेगा, इस साइड से निकाला है, ये मधुबन चौक वाले फ्लाईओवर से इस साइड भी जाम है, अभी 19 मिनट दिखा रहा है। तू टाइम पे हिलती नहीं है ना, खाट में से हिलती नहीं, उठती नहीं, खाट छोड़ दी। बताओ फ्रेंड्स टाइम बताया ना, 3 बजे नहाई है, बताओ 3 बजे कौन नहाता है। मैं ये नहीं बोलते दीक्षा की नाइट, दीक्षा का सबकी जॉब क्या होती है, 9 to 6 या 9 to 5,
दीक्षा की जॉब दीक्षा के उठने से शुरू होती है और दीक्षा की आधी रात निकल जाती है, बट दीक्षा की जॉब खत्म नहीं होती। ये सोचो कि पूरा दिन व्लॉग शूट करना, उसके बाद रात को एडिटिंग करना। तो मेरा तो जो काम है ना वो डेढ़ दिन का है। लोगों का क्या होता है कि एक दिन का ही वो होता है, जैसे मतलब वो कहते हैं ना बिचारी गृहिणी को तो मरने की फुर्सत नहीं, दीक्षा को तो बिचारी को मुझे रहता है गृहिणी। और जो लोग मेरी एडिटिंग वगैरह वो काउंट ही नहीं करते, मैं उसमें भी तो दो दो तीन तीन घंटे जग के, तो इसलिए फिर ऑब्वियसली बात है जब बंदा नाइट जॉब करेगा तो लेट उठेगा। सब सब्सक्राइबर करते हैं, वो कहते हैं दीक्षा मेहनत करती है, वो 3 बजे नहाती है, चलो कोई बात नहीं जायज है वो भी, चलो हम तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, अगले घर बस और बर्दाश्त हो जाए। अगले घर जब पैसा आएगा तो क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो अगले घर वाले जाने। तो जो भी दीक्षा की बुढ़ भी सास हो तो प्लीज गाड़ी सीख लेना और दीक्षा के 3 बजे नहाने की हरकत को बर्दाश्त कर लेना। टाइम हो रहा है 4, हमें 4 बजे का ही टाइम मिला था ना, हम लोग पहुँच गए हैं। गाड़ी कर देती हूँ लॉक, मैं हमेशा गाड़ी लॉक करना भूल जाती हूँ। हमें लग रहा है आंटी का घर पे ही बुटीक है ना। चलो देखो, उन्होंने यही बोला था घर पे बुटीक है। हाँ, हिसाब वाली आंटी बैठो। अच्छा, ये आपके अलग से सारे कैमरास वगैरह लगा रखे आपने, तीन चार रूम्स में चल रहा है ऐसा लग रहा है ना। हिसाब करो इसका भी, डाइट छोड़ो। आप मेरे को बताओ और जैसा आपको चाहिए मैं आपको सेम एग्जैक्ट करती हूं। मेरे को पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि बहुत हैवी चिताकुता मैं नहीं पहनती। मैं आपको अपना मेरा वन पीस बना लो। हाँ, वन पीस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं आपको फैब्रिक्स में आपको मैं बना दूंगी, इसकी बैक मैंने ऐसी लगी हुई हूँ मैं आपको। और एक मैं बता दूंगी आपको कि एक तो मैं बैक स्लीवलेस नहीं पहनती, मेरी ये हैवी है। कोई नहीं, मैं आपको ये मैंने बहुत टाइम बाद पहना है। नहीं नहीं यार, मैं बता रही हूँ कि कभी आप बना दो। नहीं नहीं, मैं आपका स्लीव वाला ही बना के दूंगी, थोड़ा सा आपको टेस्ट पता चल जाएगा ना मम्मी का। मैं आपको फ्लोर लेंथ बना के दूंगी, आपने जो हील पहनी हुई इतनी पहनी, मतलब जैसे हम थोड़ा ऐसे बैकलेस वगैरह भी नहीं पहनते। मैं कट बंद ही पहनती हूँ, मैं देखो आगे से आपको प्रॉपर। मेरा क्या है, अगर प्रॉपर बंद भी ना हो इतना चल जाएगा, मतलब 8-9 इंच का गला चल जाएगा। गाउन पहनो वेस्टर्न, आपका सब अच्छा लगेगा, मतलब नो बैग भी। आगे से राउंड वी नेक लगा दूंगी ब्रॉड में, हम लोग हमारे शोल्डर थोड़े हैवी है ना, हम ब्रॉडनेस में आते हैं, तो मैं आपको राउंड स्क्रीन एक ब्रॉड में रखवा दूंगी और स्लीव फुल अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा कुछ ऐसा हो इंडो वेस्टर्न टाइप का, मतलब ना तो पूरा अनारकली टाइप में हो, कुछ क्लासिक, बट उसमें तो तभी अच्छा लगेगा करवा चाहते तो ऑसम लगेगा। फिर इन फ्यूचर में भी हम बनाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हो गया तो हम ऐसा क्लोजअप हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि मैं पता क्या है, मैं आपको अपना सोनिया जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप क्या है, मेरे मामा के यहाँ ना फंक्शन है, जैसे उनके यहाँ कॉकटेल मेहंदी और हल्दी भी है, तो मेरे को ये था कि ऐसा कुछ हो कि मैं उस पर भी पहन सकूँ। क्योंकि मेरा पता क्या है, अभी तक मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ, पक गए मतलब। मैं आपको उसके लिए ड्रेप साड़ी बना दूंगी अलग से। कब है वो आपकी शादी? ये शादी नहीं है, उनके यहाँ क्या है, हमारे बनियों में ना परोजन होते हैं, बिल्कुल शादी की तरह ही होते हैं। तो उनका क्या है, 3 दिन का फंक्शन है, जैसे पहले दिन तो चौकी है, ठीक है, मतलब खाटू श्याम जी का कीर्तन है पूजा वाली, अगले दिन उनकी मेहंदी हल्दी और मतलब वो है कॉकटेल, ठीक है, और उसके नेक्स्ट डे पार्टी है, जैसे हमारे कान छेते ना लड़कियों के, वो हमारा प्रॉपर एक शादी की तरह पूरा फंक्शन होता है वो। बस सिर्फ उसमें ये होता है, बस बहू घर पे नहीं आती, बाकी भात वात जैसे प्रॉपर ठीक है। तो मैं आपको उसके लिए आपको शरारा सूट बना दूंगी, हल्दी टाइप की, हाँ, हल्दी मेहंदी और आपको इतनी शॉर्ट रखवा दी, ठीक है, और नीचे खुले वाला स्कर्ट प्लाजो ऐसे रहेगा, अपने स्कर्ट पहनी हुई, बट वो डिवाइडर होगा। हाँ समझ गई मैं, है तो इतनी शॉर्ट के अच्छा लगेगा। चलो फिर पहले करवा चौथ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो पहले करवा चौथ डिस्कस करते हैं। मैं आपको फैब्रिक्स की पिक्चर शेयर कर दूंगी, तो फिर मैं आपको हम कलर चूज कर लेंगे, कोई आपका कोई कलर। सिर्फ कलर का ये है, मेरे को नीला काला नहीं पहनते हम लोग करवा चौथ पे। अच्छा, बाकी कलर का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नीला काला नहीं पहनते, ठीक है, ब्लू नहीं पहनते हम। सुंदर लग रहा है उम्मी, बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी पतला इंसान कौन है भाई, ऊंचा बोलो तो नहीं देना, हमारे तो ख्वाब ही लगे ये पतले होने के। मम्मी सुंदर लग रहा है यार।
ये इतना पतला कौन है भाई, हमारे तो ख्वाब ही रह गए पतले होने के। ये मैंने बनाए थे आंटी, गैस बंद कर देना, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये वर्क वगैरह आपने खुद करवाया है क्या? इसमें वेंटिल का मारा है, बहुत सुंदर लग रहा है यार। मम्मी कितना सुंदर लग रहा है, ये भी सब हैंडवर्क साइज वाले यार, बॉटम देख के कर लेना। मैं जो लगे थे सारे एक के साथ दुपट्टा हम इस कलर का दे देंगे, फिरोजी कलर का कलर भी बहुत प्यारा है ना। ये ब्लाउज भी येलो बना दो इनका, इसकी लाइनिंग दे दो, ये लो लिख लो पर्ची पे अपनी। आप ये लो, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, मैं तो पहली बार ही देखा ये कलर ऐसे कपड़े में। ये बना लो करो आप पहले, मम्मी का करो। इनके लिए बना दो। ये हमारे जावेद जी हैं, हमारे मास्टर। क्या क्या है ये, इसको ये तो बोलो सुपर। ये हमारे हैंड एम्ब्रॉयडरी, आपने मतलब सारे हर चीज खुद की, मतलब खाकी खुद ही करते हैं सारी चीजें। ये कलर बहुत डिफरेंट, आपने कभी पहना भी नहीं। बनवाते जाओ मम्मी, इसकी स्लीव्स पे जो वर्क हुआ वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक पंडित बना रहा है वो कट गया, एक मुकीम बना रहा है वो कट रहा है, अभी ये तीसरा है, तीसरा पीस। हाँ तो ये जो उसकी लाइनिंग दे दो तो हो गया जावेद, इसका लाइनिंग मंगवा ले, हो गया मास्टर जी। गलत बना हुआ है इसका, ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल नहीं है ना, ना तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जैसे मैं तो मेरे को बीमारी है। मम्मी आप ग्रीन लाइन वाला कर सकते हो, ये तो नहीं बहुत कलर लाइट है तो मेरे ऊपर नहीं जचा। कौन सा बोल, ये नहीं बोल रहा वो अंकल के पैर पे, अंकल के पैर ये लाइट कलर में। सोनिया जी आप बताओ इससे ऊपर ये लाइन वाला। हाँ ये करा सकते हो, मेकअप में लगेगा नहीं। ये भी बना लो, ये बहुत अच्छा पीस है, मजा आ जाएगा आपको पहन के। ये पीस ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, ये जो आंटी जी के हाथ में है। इसमें कपड़ा कम है, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। इसमें देखो बहुत से फिट आए, एक ट्रायल भी आ जाएगा, ये भी बना लो। और ट्रायल क्या, मुझे तो कॉट सेट कल जाना था, मुझे तो इसलिए मैं अभी रात को भी फास्ट कर दूंगी आपको। अभी यार हम लोग मसूरी जा रहे हैं 4 दिन के लिए, तो मैं फिर कब आओगे आप? हम लोग आएंगे 4 को वापस। मास्टर जी इनका एक कॉट सेट बना दो, मेरे को ये बहुत सुंदर लग रहा है यार। कपड़ा कम है यार, मेरा बनेगा नहीं तो टाइट हो जाएगा यहाँ से। लेना और देखना, और देखना एक बार, मैं क्या देखूं और। ये मम्मी ये भी ब्लैक बहुत सुंदर लग रहा है। विच ब्लैक? यही जो आपको ये ब्लू, वाइट ब्लू, ये बना लो, ये भी अच्छा है। ये बनवाओ, ये लो मास्टर जी, ये लो कॉटन। इसकी लंबी लाइन है ना, आड़ी तो नहीं है कहीं, और मोटी लगे। मम्मी आपको ऐसा सुना है मैंने कि 29 लेंथ कर दो, मोटे लगते हैं। 29 लेंथ कर दो, ये काट के दे दो। लंबी में है ना, लाइनें लंबी। हां लंबी चाहिए, वही मैं उठा दे, बीच में से उठा दे रही हूं। अभी मेरा मतलब आड़ी, वही क्या बोलते तुम लोग आड़ी को, आप लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकली आनी चाहिए, थोड़ी हल्की लूज कर देना मास्टर जी, जैसे ही मैंने पहन रखी है। आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल सा। ये आपने रेडीमेड लिया? नहीं नहीं खुद ही बनाया हुआ है। कहाँ रेडीमेड लेंगे, आपको लगता है आपको रेडीमेड लेते हैं? चलो भी बोले लेता है, कम्फर्टेबल के लिए। नेक डीप नहीं चाहिए बोल दो, थोड़ा ऊंचा एंकल लेंथ रखना इसकी। कर दो हाँ, ये तो ऊंचा चल जाएगा। पॉकेट तो मम्मी के लिए जरूरी है, आप कर दो उसको, जब आएगा उसको चाहे पॉकेट एक ही साइड बनवा लो या दोनों साइड बनवा लो, बट बनवा लो। इसको परेशानी है मेरी बेटी को, मेरे फोन उठाने पड़ते हैं इसको, कहती है वीडियो भी आप फोन ही नहीं रखते हो। अच्छा कह रही थी मैं क्यों रखूं इसका फोन, इसमें लाइनिंग लगाओगे मास्टर जी? लाइनिंग चाहिए इसमें आपको दीदी? देखो वैसे मैं विदाउट लाइनिंग कुछ नहीं पहनती, वो आप लगवा लो फिर नहीं अच्छा लगेगा। मैं हर ड्रेस के नीचे मुझे लाइनिंग कंपलसरी होती है। लगा दो वो, दे दो मिलाज को सबसे पहले, वो ही बना दे। ये फैब्रिक पूरा छोटा सा लग रहा है मुझे तो, मार्केट फैब्रिक हो जाएगा ना, चक्कर लो चक नहीं लगा, मुझे तो छोटा ही लग रहा है देखने में, मैं इतनी मोटी हूँ। अच्छा लग रहा है ये ना, कभी बना ही ना फिर इससे बन जाए काफी है वो, देखने में छोटा लग रहा है वो, ऐसे रोल हुआ है ना अंकल की उसमें।
आरी क्या मतलब क्या? अच्छा ये वर्क आरी वर्क है। तो आप डिजाइनिंग कहाँ से लेते हो? खुद ही करते हैं बैठ के सारे। एक डिजाइनर रखा हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बाजू है ये इस टाइप के एम्ब्रॉयडरी उसमें नहीं मिलती क्या कश्मीर वाले सूटों में? शायद इसको ये आरी वर्क है, वो अलग आरी होती है, हाथ की आरी होती है। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेट हमें इसके ऊपर हैंड वर्क होएगा। मेरे स्कूल की पता ड्रेस थी इसका लग रही, ये क्लाइंट से ना पोटली बन रही है और बहुत प्यारा ये कलर ये लोग पोटली। अच्छा ये बैक है, बैक पर बूटा आ रहा है, दुपट्टा बहुत सुंदर है, गहरा बैक फ्रंट। आपने ब्लैक सूट लगा लिया, बहुत सुंदर है ये भी। देखिए देख गॉल कितना अच्छा सा अच्छा काम है ना। मेरे को तो येलो सूट बहुत पसंद आ रहा है। ये भी है, ये भी सारा नीचे से पेपर हटेगा ना तब। और ये तीन कलर का क्या मतलब है इसमें? तीन कलर का ये तो मशीन पे लगता है ना, तो सारा स्पोर्ट्स के लिए कपड़ा लगा था फ्रेम लगाने के लिए। अच्छा भैया आपने कितने कारीगर लगा रखे हैं? सोन 15 है ऊपर 15। तो फास्ट काम करते होंगे आप तो। हमारे टेलर तो मत्था मार मार के 2-3 दिन में कहो तब जगह 8 दिन में कपड़े मिलते हैं। मास्टर जी जैसे कि कॉर्सेट वगैरह का। गाइस सोनिया जी के इंडियन वाले मास्टर अलग हैं और वेस्टर्न वाले मास्टर अलग है साइज लेने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ सकते हो, अभी मेरी ड्रेसेस आप देख लीजिएगा, पहले मैं पहनूंगी। पहले हम रिकमेंड आपको तभी करेंगे, एक बार हम पहन के देख ले। हम फेक क्यों रिकमेंड करें, हमें वैसे अभी तो बहुत मजा आ रहा है सच में। थैंक यू। और सोनिया जी कह रही है मतलब कॉटचर्ट आज ही रेडी करके दे देंगे और सूट कल दे देंगी, मतलब इतना क्विक कहीं पे भी नहीं हुआ अभी तक हमारा। मैं यही बोल रही हूँ, बस आपका एक चीज बेकार है कि आप विकासपुरी हो। वो हमारे लिए, आसपास वाले उनके लिए अच्छा है। जो जनकपुरी मींस इज अ ग्रोइंग, जो जनकपुरी विकासपुरी वाले आप आ सकते हो आराम से। दूर वाले भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फरीदाबाद सब जगह से क्लाइंट्स आते हैं। ये मेरे मास्टर जी भैया जी हैं, ये वेस्टर्न वाले भैया जी। इस कलर का सूट बनेगा येलो जैसा, मेरे को बहुत अच्छा लगा येलो, बहुत सुंदर लगा। अच्छा यूएस कनाडा सब इंटरनेशनल सब जाते हैं, यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्रॉपर हैंडवर्क कुछ भी आपको बनाना है। आप पे माता रानी की बहुत कृपा है, लेनी चाहिए माता रानी। सही में मैं मम्मी को भी बोली, मैंने कहा मम्मी कभी भी वो कॉल करती हैं बात करती है, सीधा जय माता दी। मैंने कहा उसी से ही बंदे की चीज पता चल जाती है। मम्मी और मैं यही डिस्क, मम्मी को लग रहा था कि तू बार बार मैसेज मत कर, अच्छा नहीं लगता। आपका मैसेज स्किप हो गया, नीचे चला गया। मैंने मम्मी को यही बोला, मैंने कहा मम्मी कई बार क्या होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं कई बार इतना बिजी होती हूँ कि इतने मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, मैं भी स्किप कर देती हूँ कि पता ही नहीं चलता। तो मैंने मम्मी को यही चीज बोली, तो मम्मी कहती चल कोई बात नहीं तू वेट, फिर आपका कॉल ही आ गया कल रात को। मैं कल गाड़ी में जा रही थी मेरे बेटे के साथ, मैंने कहा मैंने एक और भी है गरिमा जी बॉम्बे। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ कल मेजरमेंट की वीडियो कॉलिंग सेटिंग। अच्छा ओके, अच्छा वीडियो कॉल्स पे भी मेजरमेंट वगैरह करते हो? कई लोग नहीं आ सकते तो वीडियो कॉलिंग में भी परफेक्ट मेजरमेंट सबका आते टच, ऐसे नहीं हुई ऑल्टरेशन ऐसे कभी नहीं हुआ। मम्मी चलो गाइस 5 बज गए हैं, चलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, तो बस आप चलो। टाइगर प्रिंट्स है, क्लाइंट्स का ये हैंडवर्क है। टाइगर प्रिंट में ना मैंने अभी तक क्या ब्राउन और ब्लैक में ही देखा है। अच्छा। ये कलर मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। ये मैंने भी लक्ष्मी दी का बनाया ना, मोस्टली हमने क्या ये ब्लैक और ब्राउन में ही देखा है मैंने टाइगर प्रिंट। ये जो मैंने आपको आरी वर्क भी दिखाया ना, तो वो भी बहुत बहुत अच्छा लगा है। वो जैसे हमने थोड़ा यूट्यूब एंड ऑल वीडियोस वगैरह स्टार्ट किया ना, ये था अपना साड़ी पहनी इतना घूंघट, मतलब पूरा परिवार में अपने हमारे घूंघट चलता था। अभी स्टार्ट किया कुर्तियां वगैरह तो यहाँ पहनो। अब आपने मेरे वीडियो में देखे, मैंने बस साड़ी पहनी है या फिर सूट्स पहने हैं रील्स में, पहनती हम यही कुर्ती कुछ और पहनते ही नहीं।
अब आपके टच में आया तो अब देखते हैं कितने चेंज होते हैं। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई नहीं, इसमें 10 डेज लग जाएंगे। ईशा ने बताया कि एक पौने घंटा आधे घंटे का रास्ता है, तो मेरे को भी टाइम लगेगा वहाँ मेजरमेंट वगैरह देने में, भी मिलने में, तो फिर मैं सब करके जाऊंगी। चलो ओके सोनिया जी, थैंक यू। आजकल ऐसे ही मंदिर चल रहे हैं, बंद हो गया था ना पता है। अच्छा ये पूरा ही रेनोवेट करा रहे हो आप? हाँ ये किचन भी बन गया, आ गई है भैया, लगवाऊंगी किचन अभी आनी है, किचन में जा रही हूँ। आपको काम ऊपर ही रहेगा, सब रहेगा नीचे। हाँ जी बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने हो गए हमको।